नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट 2019 की उत्तर कुंजी के बारे में। और इस वीडियो में सीटेट पेपर सेकेंड के शिक्षा मनोविज्ञान वाले भाग की उत्तर कुंजी पर चर्चा की गई है, तो आइए देखते हैं। ये जो पेपर मेरे पास है ये एक्स सीरीज का पेपर है। और जो पहला प्रश्न है कि विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो जो इसका सही आंसर है वह वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणिक कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, ये इसका बहुत सही सटीक आंसर है। बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं हो पाएगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो जो इसका सही आंसर है वो है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चला है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। और इसके बाद में जो चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है, तो इसका जो सही आंसर है वो पहला नंबर ही हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है कि दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए, तो इसका जो ऑप्शन है वो चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छू करके महसूस करना। अब तो ये जो फिफ्थ है इसका 4। और इसके बाद में जो छठा प्रश्न है कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, तो जो इसका सही आंसर है वो है चौथा, सक्रिय रूप से इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। सातवां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये है आपका नंबर 3 विशिष्ट शिक्षा योजना। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही पूछा गया है, इसका सही आंसर आपका ये पहला वाला ही हो जाएगा, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने लिखने में कमी की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ये देख लीजिए। और इसके बाद में नवा प्रश्न है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है, तो जो इसका सही आंसर है वो है क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मक बच्चों की। इसके बाद 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता, तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 3, अध्यापक विशिष्ट सत्रावस्थान मूल्यांकन, तो ये 3 नंबर है, इसको देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इसका है अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है 12, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, तो इसका जो पहला वाला है, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ये सही नहीं है। इसके बाद में 13वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है, तो जो टिक आप देख रहे हैं लगा हुआ 3 नंबर पे, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि प्रत्येक शिक्षक, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। फिर 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है, तो ये अन्वेषण एवं परिचर्चा जो होती है वो बढ़ावा देती है। 16वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है, तो जो भी विकल्प दिए हैं चारों ये सभी प्रभावी रणनीतियों के उदाहरण हैं। इसके बाद में देखते हैं 17 नंबर, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है, तो जो इसका सही आंसर है वो एक समस्या समाधान करने वाला वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। फिर है आपका 18वां, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है, तो सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर है 19वां नंबर, बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएँ, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है 4 बिल्कुल सही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो या इस तरीके की सूचनाएं आपके काम की हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दें। फिलहाल हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएँ अनुभव से सही अर्थ, तो जो 20 नंबर है इसका जो आंसर होगा वो होगा स्कीमा, पहला नंबर बिल्कुल सही है, स्कीमा होगा।
फिर 21वां है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाला जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद में 22वां प्रश्न है, लियो वाइगोटस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को बदला जा सकता है। इसका पहला सही हो जाएगा। जो वाइगोटस्की थे ये सामाजिकता के बारे में उन्होंने बहुत लिखा है। और इसके बाद में 23वां नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। तो इसका जो तीसरा विकल्प है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। दोस्तों थोड़ी देर में मैं सभी जितने भी भाग हैं सभी भाग के जो आंसर की है वो अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा कि सही प्रश्न ही रहें। और इसके बाद में 24 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो जो इसका सही आंसर है वो पहला है, सुरक्षित रखने की योग्यता। इसके बाद में जीन पियाजे एवं लियो वाइगोटस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, तो ये सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिका में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर हो जाएगा तीसरा, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। तीसरे को आप लोग सही कर लीजिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 27 को भी देख लीजिए। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत, ये नैतिक सिद्धांत है। अब देख लीजिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषताएं, दूसरों की संवेदना, तो इसके सीधे सीधे आंसर ही देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक। फिर बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए, तो इसको देख लीजिए पहले प्रश्न को, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो दूसरा विकल्प है ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, पहला वाला गलत है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों के समाजीकरण में जितने भी हैं सभी भूमिका निभाते हैं, चाहे वो मीडिया हो, विद्यालय हो, परिवार हो या पास पड़ोस हो। तो दोस्तों ये हो गई पेपर सेकेंड की शिक्षा मनोविज्ञान की उत्तर कुंजी। थोड़ी देर में मैं अभी सामाजिक विज्ञान की उत्तर कुंजी और साइंस की भी उत्तर कुंजी अपलोड कर दूंगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।